बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोट थ्रो मुरली राव देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया सामने दी है। आपको बता दें कि कल किसानों के द्वारा दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा और ये आपको बता दें कि बड़ी संख्या के अंदर किसान कल दिल्ली के अंदर मार्च करेंगे और इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी आपको बता दें कि एक तरीके से जो केंद्र सरकार है उस पर निशाना साधा और कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा है वो नहीं शुरू होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस हमेशा देश का राष्ट्र का सम्मान पूर्वक एक राह है, तो इस दिन कोई भी नई परंपरा नहीं होनी चाहिए। इसलिए किसानों का जो विरोध ये बिल है, तीनों बिल वापस ले लेना चाहिए ताकि किसान किसी भी प्रकार का कोई विरोध ना करे। दरअसल आप सभी को पता है कि किसानों की कल 26 तारीख को तिरंगा रैली या ट्रैक्टर रैली है वो दिल्ली के अंदर प्रस्तावित है। दिल्ली के अंदर किसान आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और ट्रैक्टरों के द्वारा वो बड़ी संख्या के अंदर पहुंचेंगे। देश भर से किसान आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैलियां पर लेकर पहुंच रहे। गाजीपुर के अंदर पेट्रोल डीजल पर जो रोक लगाने का मैसेज वायरल हुआ था वो भी पुलिस ने वापस ले लिया है, यानी कि एक तरीके से दबाव बन रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर पंजाब, तमाम राज्यों से वो किसान दिल्ली पहुंच रहे, दिल्ली कूच कर रहे। दिल्ली के अंदर कल ट्रैक्टर रैली एक बहुत ही बड़ा विशाल प्रदर्शन देखने को मिलेगा ट्रैक्टरों का और जमावड़ा रहेगा ट्रैक्टरों का, तो देखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इधर हम आपको बताने की कोशिश करें तो एक अपडेट और सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आज ट्वीट करके जानकारी दी कि देश के अंदर गणतंत्र दिवस के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नया परंपरा है वो शुरू नहीं होनी चाहिए। इसके चलते किसानों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उसके जो 3 कृषि बिल है उनको वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मांग को दोहराती हूं केंद्र सरकार से कि इन 3 कृषि बिलों को वापस ले लेना चाहिए। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।